कुलभूषण जाधव लहानपणी दक्षिण मुंबईमधल्या डिलाईल रोड इथल्या पोलीस वसाहतीत राहत होते. त्यांच्या लहानपणीच्या आठवणी त्यांचे त्यावेळचे शाळू सोबती तुळशीदास पवार यांनी जागवल्या. याच पोलीस वसाहतीत राहून कुलभूषण जाधव यांनी एनडीएची परीक्षा उत्तीर्ण केली होती. तुळशीदास पवार यांच्याशी बातचीत केली आहे आमचे प्रतिनिधी अंकुर त्यागी यांनी. एक्स नेवी ऑफिसर कुलभूषण यादव इस वक्त चर्चा में हैं. पाकिस्तान की एक अदालत ने अब उनको मौत की सज़ा सुनाई है. उनके ऊपर आरोप ये हैं कि वो रॉ के एजेंट थे और बलूचिस्तान को में को डी स्टेबलाइज करने के लिए वहाँ पर अवैध तरीके से गतिविधियाँ कर रहे थे. तुलसीदास पवार हमारे साथ मौजूद हैं. तुलसीदास पवार उनके उनको जानते भी थे और पहचानते भी थे. आपका किस तरह से उनसे संपर्क हुआ था? हम लोग तो बचपन से ही दोस्त हैं. यहाँ पे हम लोग साथ में पढ़े लिखे यहाँ पे खेले हैं. जब उनके पहली बार उन्होंने नेवी का फॉर्म भरा था एनडीए के लिए तभी भी हम लोग ही साथ में थे उसके. उसके बाद उसका पासिंग आउट हुआ तभी भी हम गए थे उनके माँ बाप के साथ पासिंग आउट परेड देखने के लिए. उनके माता जी पिताजी यहीं रहा करते थे? यहीं रहा करते. पुलिस में थे, एसीपी थे. बाद में वो रिटायर्ड हो चुके. फिर रिटायर होने के बाद यहाँ से वो चले. आज न्यूज़ खबर सुनी कि उनको फांसी की सजा दी गई है, दिमाग में पहला इंप्रेशन क्या आया? पहला तो ऐसा लगा, शौक ही लगा कि बोला ये एक साल के अंदर एकदम बड़ा डिसीजन वो पाकिस्तान ने ले लिया है. जबकि उनके यहाँ इतने बड़े टेररिस्ट हमने सब भारत सरकार ने इतना सबूत देने के बावजूद उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया है. कुछ भी नहीं मानते ही नहीं, सब गलत ही बोलते हैं. हमारे हमने जो भी सबूत दिए उनको नकार रहे हैं और ये झूठा सबूत इसके खिलाफ पेश करके उन्होंने एक साल के अंदर उसको फांसी की सजा भी डिक्लेयर की. जबकि आपको जल्दबाजी लगाई लग रही है बिना सबूत और कार्रवाइयों में. जबकि उनके पाकिस्तान के गृह मंत्री ने कहा था उसके खिलाफ हमें कुछ सबूत नहीं मिला है और फिर भी उसके खिलाफ डायरेक्ट फांसी की सजा का ऐलान किया. उधर ही मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है उनका. कैमरा पर्सन अमित पवार के साथ अंकुर त्यागी, जी मीडिया, मुंबई. जी 24 तास रहा एक पाउल पुढ़े.